ये मुश्किल पार्क में एंटर हो गया। जैसे पहले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था, हम ड्रैगन मार्ट से निकले थे तो यहाँ तक पहुँचे थे वहाँ तक, और ये मुश्किल पार्क का भी एंटर था गया। तो अभी ये जो है ये मुश्किल पार्क का ट्रैक है। तो ये देखें अभी फॉग है और अभी इतनी ये ट्रीज़ की वजह से इतनी ठंड हो रही है अभी यहाँ पे, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर जो बाहर का था उसके आई थिंक कंपेयर करें तो पाँच डिग्री का ना फ़र्क आया है। व्हाट आई फील, मतलब मैं उसको कैसे जस्टिफाई तो नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ वो नहीं है आला, मतलब कोई टेम्परेचर थर्मामीटर और समथिंग लाइक दैट, लेकिन आई कैन फील कि 5 डिग्री का फ़र्क आया है। पीछे वहाँ पे अगर 19 होगा तो आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पे 15 होगा। ट्रीज़ की वजह से ना थोड़ा ठंड और भी हो गई है। ये सारा अंदर इसके जो जालियाँ फेंस आप देख रहे हैं, इसके अंदर माउंटेन बाइक के ट्रैक हैं, माउंटेन बाइक के ट्रैक हैं और हाइकिंग ट्रैक हैं। अच्छा, वो एक और ऊपर से जहाज़ आ रहा, ये जहाज़ बहुत जाएंगे ऊपर से ना, ऊपर से जहाज़ जा रहा, बहुत बड़ा जहाज़ है, आवाज़ को एमिरेट्स का है, एमिरेट्स आवाज़ तो आ रही होगी आप, वो चला गया ऊपर। तो यहाँ पे जहाज़ बहुत बेसिकली आपको जाते हुए देखेंगे, एयरपोर्ट पीछे है तो इस वजह से ये है सारा। ये मुश्किल पार कर देंगे फॉग वगैरह, ये देखेंगे ये अंदर था रहा है माउंटेन बाइक के ट्रैक से, बेसिकली स्टॉप करते हैं मेरे लिए। तो ये डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो थोड़ा ऊपर चला गया कंपेयर टू आउटसाइड। तो मैंने तो जैकेट पहनी हुई आई थिंक, बाकी अल्लाह के हवाले। तो बंदा दिन बड़ा 30 वॉक कर रहा है। तो मॉर्निंग के टाइम में ज़्यादातर लोग एक्सरसाइज करने और वॉकिंग करने, साइकिलिंग करने लोग आते हैं ज़्यादातर। तो अभी फॉग भी है, क्लियर वेदर नहीं है। तो ये देखेंगे, ये बेसिकली यहाँ का सेकंड ट्रैक है यहाँ पे। इसके अंदर अभी मुश्किल पार्क आ जाएगा, तो मैं अंदर से आपको लेता हुआ, मेरी साइकिल का जो है ना चार्जिंग लो है तो इसलिए मैं सबसे पहले सीधा सेकंड ट्रैक की तरफ जाते हुए सीधा सीधा क्रीम के बाइक स्टेशन पे जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से फिर देखते हैं कुछ और प्लान करते हैं। लेकिन अभी आई थिंक मेरा प्लान यही है कि मैं आई विल गो स्ट्रेट टू क्रीम बाइक स्टेशन टू चेंज द बाइक। तो लेट्स सी, देखें हाउ इट गोस। ये देखें ये मुझे पार्क का एंट्रेंस आ रहा है, ये मैं अंदर जा रहा हूँ। दिस इज नाउ एंटर मुझे पार्क, दिस इज मुझे, सो दिस इज मुझे पार्क। ये हम क्या है री एंटर, एक और प्लेन जा रहा है, प्लेन बेसिकली यहाँ पे बहुत जाएंगे तो आई विल टेक शॉर्टकट। तो यहाँ से उतर जाता हूँ थोड़ा सा, तो आई हैव टू टेक शॉर्टकट। वो रीज़न वाई कि वो ट्रैक है ना, मुझे क्रीम बाइक तक पहुँचना, तो मुझे लेना पड़ेगा शॉर्टकट, क्या करें मजबूरी है। तो ये मुश्किल पार्क का अंदर है, ये मैं आपको अंदर से लेके जा रहा हूँ। मुश्किल पार्क भी बहुत अच्छी जगह है बच्चों के खेलने के लिए और एडवेंचर के लिए, बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे, रेस्टोरेंट्स हैं, पार्क है, कुछ हिस्ट्री बनाई हुई, मतलब ये हाउसेस बनाए हुए हैं इसमें हिस्ट्री है। तो ये देखिए पार्क का एरिया, ये सारे ये पार्क है और ये भी पार्क है, ये फुटबॉल ग्राउंड बनाया हुआ है, तो झूले लगाए हुए हैं इधर, तो गुड इंटरटेनमेंट फॉर चिल्ड्रंस, एडल्ट्स के लिए भी है, मतलब बड़े लोगों के लिए भी बोर्ड कैटेगरी। इस साइड पे बच्चों के वो ट्रेन है, इस साइड पे देखें पार्क है बच्चों का घूमने फिरने का। अच्छा, यहाँ पे एक बच्चों का स्विमिंग पूल भी है, जो भी सर्दी में तो हम नहीं जा सकते। वर्ल्ड विलेज लिखा हुआ है, वर्ल्ड विलेज वहाँ पे है, वो बच्चों के खिलौने ऐसे सामने स्लाइडें लगी हैं बच्चों की, तो ये आ गया पूल। ये भी वो है पूल है, यहाँ पे स्विमिंग पूल बनाया हुआ है, मेन प्लाजा लिखा हुआ है। ये बड़ा मुश्किल पार्क, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्क। तो ये देखें कैसा
ज़बरदस्त व्यू दे रहे हैं, ये फॉग है आहिस्ता आहिस्ता। और ये रेस्टोरेंट है द विला, तो ये देखें तो ये थोड़ा थोड़ा फॉग है और दरख्तों के शेडोज आ रहे हैं उनके बीच में ना, इन बिटवीन। ये देखेंगे कैसे ग्रीन, लच ग्रीन ग्रास है, ग्राउंड है पूरा, इस तरफ भी है उस साइड पे भी है। मैं वापस आगे देखें तो कैसे ज़बरदस्त लग रहा है व्यू, आप देखें बीच में से ना, तो बड़ा ज़बरदस्त व्यू है, शेडो बीच में से आ रहे हैं। तो ये है मुसीबत, यहाँ बारबेक्यू के लिए भी लोग, बहुत से लोग आते हैं। एक गाड़ी आ रही है, इधर से जाएगी उस साइड से जाएगी, तो बारबेक्यू के लिए भी बहुत से लोग आते हैं यहाँ पे। और एक्टिविटी है, काफ़ी सारी एक्टिविटी है, तो वो करके जाते हैं। तो उसके आगे जो है ना, ये मुसी पार्क के आगे ये एक इंटरेस्ट था, एक और इंटरेस्ट था, मैं एग्ज़िट करूँगा ना दूसरा वाले से, तो उधर जो है फिर आपका हाइकिंग ट्रैक आ जाता है, हाइकिंग फॉर माउंटेन बाइक, फॉर वॉकिंग के लिए ना हाइकिंग ट्रैक वो आ जाता है। तो ये देखिए सेकंड ट्रैक है, तो आगे जाके वो आ जाएगा हाइकिंग ट्रैक। तो ये लोग साइकिलिंग कर रहे हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट साइकिलिंग ट्रैक पर। ये यहीं सब पार्किंग एरिया है, सब लोग वेट कर रहे हैं, तो पार्क ओपन होगा तो ये सब इंटर होंगे बेसिकली, ये सब वेट कर रहे हैं। और ये जो सर पार्किंग एरिया देखें, लेफ्ट साइड पे सारा पार्किंग एरिया है, ये जो है सारा ना, ये पार्किंग एरिया है सारा, और यही हाइकिंग ट्रैक भी यहीं से जाता है। तो मैं बेसिकली आगे जा रहा हूँ, मैंने वहाँ पे करीम साइकिल को पार्क करना है, क्योंकि उसका चार्ज जो है ना वो बड़ा लो हो गया, तो इस वजह से सेकंड ट्रैक में वहाँ पे करीम का ना इसके एंड में है। ये मुसी पार्क का, ये भी पार्ट ऑफ द मुसी पार्क है, लेकिन बस ये एंड मेन इंटरेस्ट से हम बाहर आ गए, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द मुसी पार्क, लेकिन हम लोग इंटरेस्ट से बाहर आ गए, वो मुझे पार्क करनी है वहाँ से। एक उधर भी पार्किंग है जहाँ पे आप साइकिल पार्क कर सकते, तो देखिए मैं वहाँ पहुँच के साइकिल को पार्क करता हूँ, थोड़ा रिलैक्स करता हूँ, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊँ, ठीक है। तो बस करीब ही रह गए, उन्होंने साइन बोर्ड भी लगा हुआ है हाइकिंग ट्रेल, तो हाइकिंग के लिए उन्होंने साइन बोर्ड भी लगाए हैं। हाइकिंग भी जा सकते हैं, लेकिन आई थिंक अभी बहुत लॉन्ग हो जाएगा वो हाइकिंग, अगर हाइकिंग पे गए ना तो बड़ा लंबा है वो ट्रैक ना, अराउंड 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर ना इजीली आपके 2-3 आवर्स जो हैं वो निकल जाएंगे। तो ये आ गया करीम का, इधर स्पेस तो होनी चाहिए साइकिल लगाने की, हाँ है, तो मैं यहाँ पे कहीं पे लगा देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इस जगह पे। तो ये मैंने लगा दी सेकंड ट्रैक में, ये एक और पार्किंग का एरिया है, और बस ये हम लोग पहुँच गए यहाँ पे, तो आपको भी मैं नेक्स्ट बताता हूँ क्या करना है। तो अभी मैं देखें वॉक कर रहा हूँ, तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो गया कि मैंने करीम बाइक जो है वो मैंने खड़ी की, लेकिन वो बस स्टेशन जो है वो काम नहीं कर रहा अभी। करीम बाइक जो मैंने खड़ी की ना, उसके बाद स्टेशन जो है वो काम नहीं कर रहा, तो जिसकी वजह से अब मुझे वॉक करनी पड़ रही है। अभी नेक्स्ट स्टेशन की तरफ मैं जा रहा हूँ, ये मुसी पार्क का ही ट्रैक है सारा, तो जो अभी जो नेक्स्ट स्टेशन है वो है आपका कुरानी पार्क में, तो मैं उस तरफ जा रहा हूँ। तो ये मैं वॉकिंग ट्रैक पर चल रहा हूँ, ये सेकंड ट्रैक है, ये वाला ये वॉकिंग ट्रैक है, ये सेकंड ट्रैक, तो लेट्स सी कितने टाइम लगता है। टाइम तो लगेगा क्योंकि वो थोड़ा
दूर है, इस सिग्नल से अंदर जाना है फिर वहाँ से। तो नॉर्मली वो ख़राब होती नहीं है करीम बाइक, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं क्या मसला है, इन लोगों के स्टेशन काम कर नहीं रहे, शायद लोग ज़्यादा मिल गए इनको या क्या है। एनीवे अब क्या करें, एडजस्ट करना पड़ेगा। वॉक करने निकले थे, साइकिल कराने के लिए वॉक करनी थी, तो बस वॉक करने का मौका मिल गया। लेकिन सन आपके सामने दिख रहे थे, लश ग्रीन ग्रासेस, जॉगिंग ट्रैक है सामने रोड, तो आप देख रहे हैं आप इस तरीके से रफ ये बसें आके देखें, सामने बस जा आके, तो इस तरीके से ये सारा। तो अभी मैं वहाँ पहुँच के फिर आपको फिर वीडियो बनाता हूँ, कुरानी पार्क के एरिए के, वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ उस एरिए के, ठीक है, चलें ओके।